नमस्कार आप सभी को, मेरा मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा दशा माँ दशा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं ऐसे उपाय, जैसे आपने कर लिया तो मान लीजिए अपने जीवन में परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे। ये जो उपाय है वो यूं समझ लीजिए सब कुछ बदलने की क्षमता को रखता है। जितने लोगों ने किया है उन सबको यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है, वो भी शीघ्र। तो क्या है ये उपाय, जानना चाहेंगे? तो इसीलिए पूरा का पूरा आप यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उस पर्पस के साथ में ये उपाय बताए गए हैं। हाँ, अगर इससे संबंधित आपकी समस्या कुछ और है तो आप हमसे कॉल करके भी जान सकते हैं कि आपके लिए इससे संबंधित क्या उपाय हो सकता है, जिसमें से मैं कुछ उपाय यहाँ पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि सभी बता पाना तो संभव नहीं है। आपकी समस्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर उपाय चेंज हो सकता है। हाँ, अगर आपकी समस्या जो उपाय मैं बता रही हूं इनसे संबंधित है तो बिल्कुल आप इनको करके देखिए। तो ये उपाय जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है हल्दी से। हल्दी भी ये कोई साधारण हल्दी नहीं है, ये वो हल्दी है जो बहुत ही दुर्लभ है। इतनी आसानी से किसी भी जगह ये हल्दी मिलती नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी हल्दी है जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलती है। नॉर्मली हल्दी तो हमारे किचन में भी मिलती है जिनसे हम खाना बनाते हैं। तो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करूं, जो हम किचन में यूज करते हैं हल्दी, यहां पर मैं उस हल्दी की बात नहीं कर रही हूं। मैं यहां पर बात कर रही हूं दूसरी हल्दी की। तो देखिए, हल्दी की यहां पर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है, नॉर्मली हर घर में मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे किचन वाली हल्दी की बात नहीं कर रही हूँ, जो हम हमारी सब्जी बनाने में हल्दी डालते हैं, यहां पर मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। हल्दी भी अलग अलग तरीके की आती है, यहाँ पर उसका उपचार भी यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। औषधि की बात करें तो औषधि में भी इसका प्रयोग होता है, हमारे भोजन में भी प्रयोग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके में हल्दी का प्रयोग अलग अलग होता है। ज्योतिष संबंधित बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हल्दी का महत्व जो ज्योतिष संबंधित है वो अपने आप में ही सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। नॉर्मली जो किचन में हल्दी यूज होती है उसके साबुत रूप को अगर हम देखेंगे तो उसको हम हल्दी की गांठ कहते हैं। हल्दी की जो साबुत गांठ होती है वो कौन से रंग की होती है, यहाँ पर पीले रंग की होती है, जो हम सभी जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हल्दी जो है वो कई रंग की आती है, जैसे कि पीली हल्दी हो गई, नारंगी हल्दी हो गई, और जिसके बारे में आज प्रोग्राम बन रहा है वो हल्दी का नाम है काले रंग की हल्दी। तो आज हम चर्चा करेंगे काले रंग की हल्दी पर। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी हल्दियां होती हैं, पीले रंग की, नारंगी रंग की और काले रंग की। इसमें से काले रंग की हल्दी बहुत ही दुर्लभ होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आती है। ज्योतिष संबंधित बात करें तो यहाँ पे हर एक हल्दी का अलग ही महत्व है। जैसे पीली हल्दी हो गई, यहाँ पर बृहस्पति यानी भगवान विष्णु से संबंधित। यहाँ पर नारंगी रंग की जो हल्दी आती है वो होती है मंगल ग्रह से संबंधित उपचार करने में, और काले रंग की हल्दी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है शनि ग्रह से संबंधित। तो ज्योतिष में बात करें काली हल्दी, जो कि हमारा आज का मुख्य प्रोग्राम है काली हल्दी के ऊपर, तो इसका प्रयोग जो है वह पूजा में भी देखने को मिलता है और तंत्र में भी देखने को मिलता है। दोनों में ये काम आती है, हमारे पूजन विधि में भी और तांत्रिक क्रियाओं में भी। यहां पर जो मैं आपको उपाय दे रही हूं वो दे रही हूं पूजा से संबंधित। सबसे पहला उपाय यह है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं रुकता है, बेवजह आपके खर्चे हो रहे हैं, तो करना है मात्र छोटा सा उपाय, काली हल्दी का एक उपाय जो है वो सब कुछ बदल के रख देगा। धन की कभी भी कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को एक चांदी की डिब्बिया लेनी है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर को साथ में रखकर महालक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श कराना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्पर्श कराने के बाद में आप उसको डब्बी को बंद करके आप अपने धन स्थान में रख दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर नाग केसर और हल्दी ये अभिमंत्रित होनी चाहिए, और जो सिंदूर है ये अभिमंत्रित होना चाहिए। चांदी के डब्बे का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सामान डलेगा डब्बे के अंदर, जो काली, यहाँ पे काली हल्दी है, नाग केसर है और मंत्रित सिंदूर है, ये तीनों जो क्या करने हैं आपको चांदी के डब्बे के अंदर रखने हैं और माँ लक्ष्मी को स्पर्श कराकर आपको आपके धन स्थान में रखने हैं। तो यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो क्या होंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, और व्यवसाय में यहां पर आपको उन्नति भी मिलने वाली है। काम है आपका खुद का, व्यवसाय है, आप व्यवसायी हैं, चाहे आपका खुद का सेटअप हो यहां पर,
आपकी ऑफिस है, आपका दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, या फिर आपकी बड़ी कंपनी है, या किसी भी तरीके से आप काम करते हैं, आपका खुद का काम है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, किससे आपके काम में रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, आपका इनकम फ्लो इतना नहीं है, कभी बहुत अच्छा चल रहा है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है आपका काम, फिर वापस फ्लो में आता है लेकिन फिर डाउन हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर काली हल्दी की गांठ लेनी है, 11 अभिमंत्रित किए हुए गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का, 11 कौड़ियां लेनी है आपको। इन सबको आप क्या करेंगे, पीले वस्त्र में बांधेंगे। पीले वस्त्र में बांधकर आपको आपके व्यवसाय स्थल में ठीक ऊपर जहां पर आपका गेट आता है एंट्रेंस में, वहां पर इसको बांधना है, लेकिन ये सब कुछ अभिमंत्रित होना चाहिए। काली हल्दी की गांठ अभिमंत्रित होनी चाहिए, 11 गोमती चक्र जो अभिमंत्रित होने चाहिए, आपका चांदी का सिक्का वो नॉर्मली आप परचेज कर सकते हैं, 11 अभिमंत्रित कौड़ियां जो है वो यहाँ पर अभिमंत्रित होनी चाहिए। इन सब में अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर और चांदी का सिक्का डालकर आपको इसको क्या करना है, मौली से गांठ बनाकर इसकी एक पोटली बनानी है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। यहाँ पर तुलसी की माला से जाप करने के बाद में आप क्या करेंगे, 108 बार ये मंत्र जब आप उच्चारित कर देंगे, उसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, आपके एंट्रेंस पे ऊपर लगा देंगे। अगर एंट्रेंस पे व्यवस्था नहीं बन रही है तो जहां पर आने की जगह है उसके अंदर की तरफ भी आप इसको लगा सकते हैं। इससे आपके व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही है और आपका काम नहीं चल पा रहा है, वहां पे आपको क्या देगा, ये बढ़ोतरी देगा। तीसरा उपाय जो कि है महा उपाय, तो तीसरा महा उपाय ये है काली हल्दी से संबंधित, कि यहां पर काली हल्दी को काले कपड़े में लपेटकर अगर द्वार पे टांग दिया जाए, घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रही है, सास बहू की आपस में बनती नहीं है, दोनों हमेशा अगर लड़ते रहते हैं, ननद भाभी की बनती नहीं है, घर में सदैव महिलाएं झगड़ा करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमेशा घर में रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, आए दिन समस्या चलती है, घर में जाए नहीं कोई कि हमेशा लड़ाई झगड़ा सुनकर ही वापस आना पड़े, घर में कले के अलावा और कोई बात ही ना हो रही हो, तो फिर ये आप उपाय करें, काली हल्दी को काले वस्त्र में लपेट के घर के मुख्य द्वार पर लगा दे, लेकिन हल्दी होनी चाहिए यहाँ पर अभिमंत्रित। एक बात का ध्यान रखें, कोई भी चीज जब तक अभिमंत्रित इसमें नहीं होगी वो काम नहीं करेगी, वो केवल मात्र क्या है, काली हल्दी है। जब तक वो अभिमंत्रित ना हो, पूर्ण रूप से सिद्ध ना की हुई हो, तब तक उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का रखना आपको विशेष तौर पर ध्यान। ये जैसे ही आप लगाएंगे कुछ दिनों में आप पाएंगे, पहला कि आपके घर को किसी की भी नजर नहीं लगेगी, दूसरी बात घर में सुख शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे करके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। चौथा महा उपाय काली हल्दी का, चौथा महा उपाय ये है कि अगर नए काम के लिए आप जा रहे हैं, आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो आपको करना ये है कि काली हल्दी को आपको क्या करना है, उसको पीसना है। काली हल्दी को पीस के उसको आपको क्या करना है, शनि देव को स्पर्श करवाना है, यानी शनि देव को अर्पित करने के बाद काली हल्दी को वापस लेकर आइए आप, अभिमंत्रित की हुई, स्पर्श कराने के बाद आपको उसको पीस कर उसको तिलक रूप में कन्वर्ट करना है। उस तिलक करके आप अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब भी जाएंगे सफल होकर लौटेंगे वापस, ये बात का ध्यान रखिएगा। काली हल्दी का एक और महा उपाय, वो महा उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की बुरी नजर लग गई है, टोने टोटके का शिकार हो रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, या कोई टोना टोटका करके वस्तुएं आपके घर में छोड़ देता है, तो उसके लिए आपको मैं एक उपाय बता रही हूं, वो करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी ने भी किया कराया है आपके घर में तो वो चीज यहां से निकल जाएगी। या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, नजर लग रही है, घर में रहने का मन नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर काली हल्दी के टुकड़े करने 7 से 9, उसे धागे में पिरोना है, गूगल लुभान से क्या करना है, उसको शोधन करना है, उसकी धूप उसको देनी है। ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, धूप देने के बाद में आपने जो उसकी माला बनाई थी, किसकी, काली हल्दी की, जो आपने माला बनाई है काली हल्दी की, उसको आपको आपके घर में किसी भी हिस्से में जहां पर छुपाने की जगह है,
काले वस्त्र में लपेटकर आप उसको वहां पर छुपा दीजिए, जहां पर आपको वो नेगेटिव चीज मिली थी उस स्थान पे उसे कहीं पर भी छुपा दीजिए। आपके घर में एक सुरक्षा बनना शुरू हो जाएगी और किसी भी व्यक्ति का करना कराना यहां पर बंद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति करा भी देता है तो उसका असर जो है वो आप तक नहीं आएगा। काली हल्दी का एक और महा उपाय, इंटरव्यू जब भी देने जाते हैं सफलता नहीं मिलती है आपको, तो आपको क्या करना है, काली हल्दी की गांठ अभिमंत्रित जो है वो आपको अपने पॉकेट में रखनी है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। काली हल्दी का जो एक उपाय है यहां पर वशीकरण में भी इस्तेमाल होता है, वशीकरण करने में भी और वशीकरण को तोड़ने में भी इस्तेमाल होता है। यू समझिए कि देखिए तांत्रिक फील्ड मेरा नहीं है, तंत्र से संबंधित, लेकिन इसका प्रयोग कहां कहां होता है उसकी जानकारी मुझ तक है, लेकिन ये जानकारी इसीलिए बता रही हूं क्योंकि काली हल्दी जो है वो इतनी गुणकारी है यहां पर ज्योतिषीय संबंधित कि ये आपको हर फील्ड में मदद करती है। कोई भी क्षेत्र से संबंधित आप परेशान हो, काली हल्दी संबंधित उपाय सब कुछ परिवर्तन करने की क्षमता को रखता है। ये इतनी चमत्कारी हल्दी है कि जितना तो आप सोच भी नहीं सकते। इसका और नाग केसर को दोनों को मिलाकर तिलक करने से व्यक्ति का खुद का पराक्रम बढ़ता है, स्वयं में तेज बढ़ता है। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, लोगों में बात करते हुए भी उनको हिचकिचाहट होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, काली हल्दी और नाग केसर को मिलाकर तिलक करना शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनके विरोध करने वाले भी जो व्यक्ति हैं वो उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपको हर जगह नीचा दिखाते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं हर बात पर, वो भी क्या होंगे यहां पर धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अगर आप भी काली हल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिद्ध की हुई आपको काली हल्दी जो है वो प्राप्त हो जाएगी हमारे कार्यालय से। अगर आप जोधपुर में रहने वाले हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जोधपुर के बाहर हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, कुरियर फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको आपके घर के पत्ते तक काली हल्दी जो है सिद्ध की हुई वो प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिष संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित या फिर हस्तरेखा के विश्लेषण से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, इसीलिए देखना न भूलिएगा हमारा कल का प्रोग्राम जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और भी ज्यादा नई जानकारियां लेके आ रहा है आपके लिए। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ दशा महादशा से, और देखना ना भूलिएगा हमारा एक भी प्रोग्राम, क्योंकि हर प्रोग्राम एक नई जानकारी लेकर आएगा आपके लिए।